वर्ल्ड की सबसे छोटी सीजन बॉल। इस बॉल के अंदर से सब कुछ उल्टा दिखता है। आपने बॉल के ऊपर पंख लगे बहुत कम देखे होंगे। इस बॉल के अंदर बॉल बियरिंग्स हैं, इसको मैग्नेट बॉल भी बोल सकते हो। ये है हमारा पूरा क्रेजी बॉल का कलेक्शन। हेलो बॉक्स ऑफ वेंजेंस आर्मी, हाउ आर यू? तो गाइस, हमारे बॉल्स के बुफे पार्ट 1 में 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा पार्ट 2 भी बनाई लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉल कलेक्शन में 1 लाख से ऊपर की बॉल्स ऐड हो चुकी हैं। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे लेके चलता हूं अपने बॉल कलेक्शन की तरफ। तो गाइस, सबसे पहली बॉल है ये AFO की फायर बॉल। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है, और अगर आप इस बॉल को आग में डालोगे तो ये आग का नामो निशान मिटा देगी। बहुत ही अच्छी बॉल है और ये मेरे बॉल कलेक्शन को भी सेफ रखती है। फिर ये है रबर बैंड बॉल। ये बनी है 1000+ हाई क्वालिटी रबर बैंड से। इसको मैंने घर पे नहीं बनाया है, इसको मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, लेकिन बहुत ही अच्छी और यूनिक बॉल है ये भी। उसके बाद ये है वुड बॉल। ये बनी है बहुत ही हाई क्वालिटी वुड से और इसका वेट भी काफी कम है। उसके बाद ये है हमारी वर्ल्ड की सबसे छोटी सीजन बॉल। ये बनी है एलम टैंड लेदर से, इसकी सीम हैंड स्टिच्ड है। उसके बाद गाइज, ये है मैजिक बॉल। मैजिक बॉल से अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछोगे तो उसका आंसर ये यहाँ देगी। इस पे मैंने शॉट बनाया है, उसको देख लेना। उसके बाद ये है एग्जाम्स बॉल। एग्जाम्स में भाई बहुत प्रेशर होता है और ये हमें मदद करती है एग्जाम्स का प्रेशर ओवरकम करने में। इसके जो ये छोटे छोटे पॉपिट्स हैं, इसको दबाने पे आपको रिलैक्सेशन फील होता है। फिर ये स्ट्रेस बॉल का तो काम करती है, और इसे शेक करने पर इसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलती है। उसके बाद ये है हमारी डायमंड बॉल। वैसे तो डायमंड आपको बॉल के शेप में बहुत कम दिखेगा, तो ये बहुत ही रेयर है, और ये असली डायमंड नहीं है गाइज, ये डुप्लीकेट है। डायमंड को बॉल के शेप में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद ये है हमारी ग्लास बॉल। इस बॉल के अंदर से सब कुछ उल्टा दिखता है। इस पे मैंने शॉट भी बनाया है। बहुत ही अगेन बहुत ही अच्छी बॉल है ये, इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। उसके बाद ये है हमारी हेलीकॉप्टर बॉल। आपने बॉल के ऊपर पंख लगे बहुत कम देखे होंगे, तो भाई ये देखो बॉल के ऊपर पंख लगे हैं, और अगर मैं इसको यहां से ऑन कर दूं तो अब देखो, और भाई ये हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। अगर मैं इसे अभी छोड़ दूंगा तो ये उड़ भी जाएगी। तो इसे मुझे बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से इसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हाँ भाई, बंद हो गई, खाओ माँ कसम। तो बहुत ही अच्छी यूनिक बॉल है। उसके बाद भाई ये कुछ हार्ड सिंथेटिक बॉल्स हैं। अच्छा, हार्ड सिंथेटिक बॉल का यूज किया जाता है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। अगर आप सीजन बॉल से खेलने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए तो आप सिंथेटिक बॉल्स का यूज करते हो। तो भाई ये है I30। ये डुअल कलर है, व्हाइट और रेड। बहुत ही अच्छी बॉल है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ये GM की स्किल्स बॉल है। इससे आप अपनी बॉलिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी सीम है, अच्छा पूरा आपको पूरा सीजन बॉल वाला फील आएगा। फिर ये है भाई यमराज बॉल। अगेन बहुत अच्छी सीम है, और इसको यमराज बॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक लगती है ये, और जब ये बाउंस होके आती है तो ऐसा लगता है यमराज भैंसे पे बैठ के चले आ रहे हैं। और ये है इंडिया की बेस्ट सिंथेटिक बॉल SG प्रो सॉफ्ट। इसकी सीम प्रॉपर सीम है सीजन बॉल की, अच्छा वेट है, सेम वेट है सीजन बॉल, और ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो इसलिए इससे आप सीजन बॉल की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ये है योयो बॉल। ये बेसिकली योयो है बॉल के शेप में, और इसमें बस एक खासियत है कि आपको ऊपर लाने के लिए बॉल को कोई स्किल्स नहीं चाहिए, अपने आप ऊपर आ जाती है। और उसके बाद है भाई ये रॉक बॉल। ये एक थेरेपी बॉल है, और जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं उन्हें पता होगा ये क्वार्ट्जाइट रॉक से बनी है, और ये हेल्प करती है रिलैक्सेशन में। आपका माइंड काम रखती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को इवॉल्व कराती है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग करने में हेल्प करती है। बहुत ही अच्छी बॉल है ये। फिर ये है सेपक ताकराव बॉल। सेपक ताकराव बेसिकली फुट वॉलीबॉल को बोलते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत खेला जाता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं खेलते, लेकिन बहुत ही अच्छी और यूनिक बॉल लगी मुझे, इसलिए मैंने इसे कलेक्शन में ऐड किया है। फिर ये है सोलर सिस्टम बॉल। इस बॉल के अंदर से आपको पूरा सोलर सिस्टम दिखता है। ये जो यहाँ पे इसका स्टैंड है, इसमें लाइट्स लगी हैं, जब आप इसे ऑन करते हो और इस बॉल को उसके ऊपर रखते हो तो पूरा सोलर सिस्टम दिखता है। बहुत ही यूनिक बॉल है। उसके बाद ये है हमारी क्यूब बॉल। रूबिक्स क्यूब को बॉल का फॉर्म दे दिया गया है और उसको और डिफिकल्ट बना दिया गया है। भाई मुझे तो नानी याद आ गई, इसको सॉल्व करने में अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगेन बहुत ही अच्छी पजल बॉल है ये। फिर ये कुछ विंड बॉल्स हैं। ये जैस्को की विंड बॉल है, ये एलन की विंड बॉल है, ये सिक्सर की I10 है। इससे आप बहुत लंबे लंबे छक्के मार सकते हो, लेकिन भाई अगर हवा चल रही होगी तो बच के रहना, क्योंकि ये हवा में स्विंग होती है। उसके बाद ये है हमारी 3 किलो की आयरन बॉल। अरे भाई बहुत भारी है यार ये। ये वैसे तो शॉर्ट पुट के लिए यूज होती है, लेकिन इससे मैं बहुत ही जल्दी क्रिकेट खेलूंगा, इसको रख देता हूँ यार, बहुत भारी है। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट बॉल पे। अच्छा, ये बॉल मैं आपको पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ। ये बलून वाटर बॉल है, लेकिन मैंने इसको अभी तक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई ये तो 2 शॉट में फट जाएगी। भाई ये 6 महीने से चल रही है, इसने अपना शेप भी रिटेन किया हुआ है, इसके अंदर अभी पानी भी है जो हमने भरा था, और ये अभी तक नहीं फटी है, बहुत ही ड्यूरेबल है। इसको आप घर पे बना सकते हो, उस पर मैंने शॉट बनाया है, कैसे बनाना है उसको देखना, बहुत ही मस्त है। फिर भाई ये है हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स भाइयों की बॉल। हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स साउंड पे खेलते हैं, और इस बॉल के अंदर बॉल बियरिंग्स हैं।
जिसकी वजह से ये जब बैट्समैन की तरफ जाती है तो ये साउंड करती है, तो जब ये साउंड फील्डर को या बैट्समैन को आती है तो वो उनको हेल्प करती है बॉल को बैटिंग करने में या फील्डिंग करने में। उसके बाद ये है हमारी डांसिंग बॉल, इसको मैग्नेट बॉल भी बोल सकते हो, लेकिन ये डांसिंग बॉल मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि भाई ये रिंग है जो इसके पीछे लगी है, इसको आप अपनी उंगली पे पहन के इस बॉल से डांस करा सकते हो। इस पर मैंने शॉर्ट बनाया, उसको ज़रूर देखना। उसके बाद ये है पोके बॉल, ये ग्रेट पोके बॉल है, इसके अंदर से आपको रेयर कार्ड्स मिलते हैं पोकेमॉन के। उसके बाद ये है हमारी UFO बॉल, ये देखने में बॉल की तरह है लेकिन भाई ये एक्चुअली में UFO है, अगर मैं इसे दबा दूं तो ये UFO बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगी मुझे, इसलिए मैंने इसे अपने कलेक्शन पे ऐड किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है सुपर साइन बॉल्स, अगर आप ड्रैगन बॉल जी फॉलो करते हो तो आपको इन बॉल के बारे में पता होगा। ये सातों इकट्ठा करने पे आप शेनरॉन को समन कर सकते हो जो आपकी 3 विशेस पूरी करता है। मेरे पास वैसे 7 हैं लेकिन ये रेप्लिकाज हैं, ये असली नहीं है, लेकिन अगेन ये बहुत ही रेयर बॉल्स में मानी जाती हैं सुपर साइन बॉल्स, इसलिए ये मेरे कलेक्शन में है। अच्छा, बाकी का कलेक्शन मैं आपको पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ, अपना फुटबॉल बास्केटबॉल सब कुछ, लेकिन बस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये टेप बॉल। इस बॉल को मैंने घर पे बनाया था और बहुत लोगों ने बोला था कि भाई आपका टेप निकल जाएगा या आप टेप निकल जाता है। भाई देखो, मैंने इस बॉल से बहुत खेला है, मस्त स्विंग होती है, हल्का सा टेप फटा ज़रूर है लेकिन टेप कहीं से निकला नहीं है, और आजकल आपको ये बॉल ISPL में दिख रही होगी टेप बॉल ओवर में। तो गाइज, ये था हमारा बॉल्स का बुफे का पार्ट 2, और अब इस बॉल कलेक्शन का पूरा वैल्यूएशन हो चुका है 4 लाख से ऊपर का। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, जैसे जैसे हमारे बॉल कलेक्शन में बॉल्स ऐड होती जाएंगी मैं इस पे पार्ट्स बनाता रहूंगा, और जल्द ही कुछ बॉल एक्सपेरिमेंट्स के भी वीडियो लाने जा रहा हूं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।